नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल सेक्टर 12 जिला सचिवालय के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी गांव के लिए, गांव की सरकार बनाने के लिए गांव के इलेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गाँव वाले 5-5 साल यानी कि वेट करते हैं कि कब सरपंच पद के लिए कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कब वोटिंग होगी, निष्पक्ष तौर पर वोटिंग होगी और उसके बाद सरपंच कोई चुना जाएगा और उसके बाद गांव की सही तरीके से सरकार चलाई जाएगी। लेकिन ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 50 से 60 लोग हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो पहुंचे हुए हैं निसिंग ब्लॉक के गांव फतेहगढ़ से। इनका यही कहना है, परसों में हमने I24 ने आपको फतेहगढ़ की लाइव तस्वीरें दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक सरपंच पद के कैंडिडेट पर, ना सिर्फ कैंडिडेट पर बल्कि उनके जो तमाम सपोर्टर्स हैं, उनके पक्ष के लोग हैं, उन पर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा ही हमला बोल दिया जाता है। सुबह 6:30 बजे ही हमला बोल दिया जाता है, जिसके बाद जो सरपंच पद के कैंडिडेट थे वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करना पड़ जाता है, यहाँ तक नौबत आ जाती है। और ऐसे में जो गांव के लोग थे उनका कहना यही था कि आज वोटिंग ना की जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उस दिन वोटिंग होती है। और गांव वालों का ये कहना है कि एक पक्ष के लिए ही वोटिंग की गई है और रिजल्ट्स भी वहीं आए हैं। लेकिन अब ये जो तमाम लोग हैं, फतेहगढ़ गांव के जो लोग हैं, चाहते हैं कि एक बार फिर से इनके गांव में इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। इसी को लेकर करनाल के SP से ये मिलते हैं ताकि कार्रवाई हो सके जो भी हमला हुआ था, और दूसरा करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी इन्होंने मुलाकात करनी थी इस वजह से, ताकि इनके गाँव के इलेक्शन दोबारा से हो सके। सर, क्या आपका नाम है, कहाँ से आप हैं, क्या ये पूरा मामला है और क्यों आज दोबारा से आपका आना हुआ यहाँ? मेरा नाम अर्शदीप सिंह है, हमारा गांव फतेहगढ़ है। ये 12 तारीख को हमारा पंचायत का चुनाव था, तो जिस टाइम सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, हमारी तरफ से कैंडिडेट सुखविंदर सिंह था, सुखविंदर सिंह और सरपंच पद के लिए, और 3 पंचों के चुनाव हो रहे थे, तो 3 एजेंट पंचों के और एक सरपंच का, हरपाल सिंह, छत्रपाल सिंह, ये दविंदर सिंह और गुलाब सिंह, ये एजेंट थे हमारे सुखविंदर सिंह के साथ, ये बैठे हुए थे। तो ये हुआ ये है भी कोई 18 वोट पोल हुई होगी 7:30 बजे के करीब, ठीक है। तो एक हमारे गांव से ज़मीन बेचकर UP चले गए हैं 77-78 में गांव के आदमी, उसका उनके वोट हैं यहाँ पर, वो भी नाकामी सरकार की हुई है, तो उनके वोटर वो वोट डालने आ गया, आदमी वोट डालने आ गया, तो हमारे एजेंट ने कहा जी इसकी ID चेक करो। दूसरा, सुबह एजेंटों में ये बात हुई थी दोनों तरफ से भी, जो भी वोटर वोट डालने आएगा वो खुद वोट डालेगा ताकि चुनाव जो निष्पक्ष हो, और अगर वो लाचार है या कोई उसको कोई दिक्कत है तो उसका जो रिलेटिव है, उसका बेटा है, उसका बाप है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, वो वोट डालेगा। लेकिन हुआ ये, एक जींद साइड से एक आदमी आ रहा है, ज़मीन ले रखी उसने हमारे पड़ोस में, रिशपाल सिंह पुत्र गुरमोहन सिंह ने, और उसका एक सीरी है नौकर उसका, दर्शन पुत्र नथाराम, वो वोट डालने आया। तो जब वो वोट डालने लगा और वो उसका मालिक जो है, जैसे दलितों के साथ दबंग लोग करते हैं, उसको बोला भी इसका वोट तो मैं डालूंगा, तो हमारे एजेंट हरपाल सिंह ने ये कहा कि तू क्यों वोट डालेगा जब ये ठीक ठाक है 44-45 साल, उसको 9 तारीख को उसने जिला परिषद के वोट डाले हैं, उसने मेरे सामने डाले हैं, तो वो बोला भी ये खुद डालेगा अपना वोट। उसने कहा, जब एजेंटों ने पूछा तू खुद डालेगा कि तेरा ये डालेगा, बोला जी मैं खुद डालूंगा, और जब वोट डालने लगा उसके मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया भी मैं डालूंगा इसका वोट, हंगामा हो गया, और एजेंटों ने ऐतराज करना था, एजेंट ऐतराज के लिए होते हैं और एजेंट वहाँ क्या करते हैं बैठ के, तो इन्होंने प्री प्लान तरीके से हरपाल सिंह के ऊपर हमला कर दिया पीछे से, उसके सिर में गंभीर चोटें मारी। और ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये झगड़ा ऐसे नहीं हुआ कि अचानक झगड़ा हो गया, इसकी पूरी रिहर्सल बैठ के BDPO गुरमालक सिंह ने करवाई उनके साथ, क्योंकि वो उनका नज़दीकी रिश्तेदार है, और ये बात निकट के सामने आ रही है कि उसने 6 लाख रुपए में उनके साथ डील कर रखी है कि मैं तुम्हारे को सरपंच बनवाऊंगा जैसे मर्जी बनाऊँ, लेकिन तुमने चलना मेरे तरीके से जैसे मैं बताऊँगा, ऐसे गलत वोट डालना भेजना उनका एजेंट ऑटोमेटिक ऐतराज करेगा। हमला कितने लोगों पे हुआ है? हमला हमारे 5-6 लोगों पे हुआ है, जो गंभीर रूप से हरपाल सिंह जख्मी है, उसको डेंजर ऑफ लाइफ लिखा है डॉक्टर ने, सिमरन सिंह चंडीगढ़ है, उसकी नसें कट गई हैं, शार्प है उसको, तो बाकी सुखविंदर सिंह कैंडिडेट था, उसकी बाजू टूट रही है, सिंदर सिंह का हाथ कट रहा है उसके सगे भाई का। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 5 जने हैं, 5 जने, हाँ जी 5 है, वैसे तो चंडीगढ़ है, एक चंडीगढ़ है, और जो हरपाल सिंह है वो भी डेंजर ऑफ लाइफ है बिल्कुल। तो
तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कौन हैं जो सरपंच कैंडिडेट? वो अमृतपाल सिंह पुत्र कश्मीर सिंह है, वो पिछली बार भी सरपंच था। सरपंच बने अब? अब वैसा है जी, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जब हमने कहा कि जब हमारे आदमी घायल हो गए, इनको ले गए, उठा के हम ले गए, सुखविंदर सिंह भी कैंडिडेट भी चला गया, वोटिंग मत करो, अब वोटिंग बंद करो, वोटिंग बंद हो गई। उसके बाद उस बीडीपीओ ने सरकार को बात बता के भी यहाँ कोई झगड़ा नहीं, पहले तो उसने फोर्स नहीं लगनी दी। ये आप समझो हाइपर सेंसिटिव गांव है हमारा, पिछली बारी 40 पुलिस वाले थे जिसमें कमांडो भी थे। डीसी साहब ने कहा भी अब की बार तो हमारे पास रिपोर्ट ये आई थी भाई, जो भी रिपोर्ट के आधार पर भेजने थे भी, हमने 4 आदमी भेजे थे, तो उसने रिपोर्ट गलत भेजी, बीडीओ ने सिक्योरिटी नहीं लगने दी और हमारे ऊपर ये सारा काम उसने करवाया। उसके तो बाद उसको पक्ष के लोग हैं उन पर भी जवाबी हमला आपके पक्ष नहीं जी नहीं, जब हम तो अपने आदमियों चोटें वगैरह आई हैं कुछ, उनको तो चोटें जैसे कोई गिर गया, जब भगदड़ मच गई, किसी को खुद मार लिया डंडा। पुलिस फोर्स थी मौके पर? पुलिस फोर्स नहीं थी जी, 4 तो पुलिस वाले थे वहाँ सिर्फ, उसके बाद फोर्स आ गई। करनाल के एसपी, करनाल के डीसी भी मौके पे पहुंचे। डीसी साहब, एसपी साहब गए थे, हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जब तक सुखविंदर सिंह नहीं आता आप पोलिंग को रोकिए, पोलिंग उन्होंने रोकी भी 11 बजे लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो वीडियो जो था उसने, क्योंकि देखो जो अफसरों के अफसर मानते हैं हमारी, तो कौन मानेगा वहाँ, जब वीडियो मौके का जिम्मेदार अफसर था वो सब करवा रहा था, उन्होंने वोटिंग शुरू करवा दी, वोटिंग शुरू करवा के उन्होंने खुद ही वोट डाले, उनके एजेंट थे, खुद ही उन्होंने दादूपुर ले गए। तो सरपंच कौन बना? सरपंच हमने, हमारे को नहीं पता कौन बना, लेकिन हमने सुना है कि अमृतपाल को डिक्लेयर कर दिया, वो तो हमने डीसी को, हमने डी साहब लोग क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 562 वोट हैं लिस्ट में पोल होने वाले। मैं आप कहते हो मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोटिंग की नहीं, उसमें से ये देख लो 562 में से 200 वोट डला है, 242 वोट, 242 वो की नहीं डला, 70% पोलिंग नहीं हुई, आधे गांव ने तो वोट ही नहीं डाले, आधे से ज्यादा 70% ने जी नहीं डाले। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट इन्होंने सुनाया है उसको कैंसिल करा जाए, दोबारा निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। करनाल के एसपी साहब से मिले हैं, हमले की कार्रवाई क्या चाहते हैं? हमले की कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि जो आरओ साहब ने एकदम मुकदमा दर्ज करवाया है, वो एसपी साहब ने हमारे को बताया 18 लोगों के ऊपर, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो इसकी गिरफ्तारी भी हुई है, 4 आदमी गिरफ्तारी हुई है, बाकी वो जो हमने हमारे बयान है वो पुलिस लेने कल गई थी, हमारा आदमी हालात में नहीं था बयान देने के, वो हमारे बयानों पर पर्चा जोर सा दर्ज होएगा। बाकी हमने, ये हमारी बहन है मेरी छोटी, मेरे चाचे की लड़की है जो सुखविंदर सिंह खड़ा है, उसकी लड़की है, मैं उसका भतीजा हूँ, तो हमने, हाँ ये उनकी बेटी है, ये पुलिस ने जबरदस्ती, इन्होंने कहा कि मेरे पापा जब तक नहीं आते इसको रोका जाए, तो इनको धक्के से पुलिस बैठा के सन थाने में ले गई, एक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर दिया लेडी के खिलाफ, हिरासत में लिया गया था पुलिस द्वारा। जी मैम, हिरासत में जब लेके, जिसके बाद आपको हिरासत में लिया गया, और आपका नाम क्या है? नवदीप कौर मेरा नाम है। आपके पिता खड़े थे सरपंच? जी मेरे पापा खड़े हैं। तो हमने तो सर, मैम यही मांग रखी थी सर के आगे कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, तब तक मेरे पापा नहीं आते या हमारे कोई कैंडिडेट रेडी नहीं होते भी जिसको हमने अंदर करना है खड़े, तो तब तक के लिए पोलिंग रोकी जाए क्योंकि गंभीर रूप से सब घायल हैं, तो हमें उनका पता चले, क्योंकि हमें तो देखो वहाँ भगदड़ थी कि पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी, तो हम तो उस तरफ थे। फिर जब हमने शांतिपूर्ण बैठ के सर से बात की, जैसे फिर हम गेट के आगे बैठे कि सर अभी पोलिंग मार्च स्टार्ट करें, हमने सर से बात की, इन्होंने हमारी मानी नहीं, हमें ज़बरदस्ती बस में बिठा के ले जाया गया, मेरे साथ 9-10 और लेडीज थी, अब हम पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। छोड़ा 6 बजे तक, शाम को छोड़ा था, पोलिंग रिजल्ट से पहले नहीं, पहले नहीं, तकरीबन बंद हो चुकी थी पोलिंग, 5 मिनट पहले ही लेके आए थे हमारे आते ही, रिजल्ट से पहले छोड़ा गया था, 6 बजे लेके आए थे, 6 बजे पोलिंग बंद हो जाती है। महिलाएं होंगी गांव में जिन्होंने वोट डाले नहीं होंगे? तकरीबन मैम हैं 35-30 तो होंगे बच्चे, जो मतलब गर्ल्स हैं। इस वोटिंग को आप निष्पक्ष नहीं नहीं मानते? नहीं मैम, नहीं मानते। क्या चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर से? सर मैम हम तो यही चाहते हैं कि जिन्होंने गंभीर चोटें मचाई हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई हो और वोटिंग दोबारा हो, वोटिंग क्योंकि वोटिंग का सबको हक है, हम किसी का हक नहीं रोक सकते। पूरा गांव इस बात के लिए क्या करेगा कि वोटिंग दोबारा हो? मैम अब सर से डिमांड की है कि कार्रवाई हो और वोटिंग हो, हम अभी डीसी सर से भी बात करेंगे, मांग उठाएंगे, देखो हमें तरीके से मांग उठाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जब हम लोकतंत्र में विश्वास वाले आदमी, हमको गुंडे थोड़ी हैं कि हम यहाँ तोड़फोड़ करने शुरू कर देंगे, हम कानूनी रूप से सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे, हाईकोर्ट नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। पहले ही आशंका थी कि संवेदनशील इलाका है तो यहाँ पर पुलिस फोर्स होनी, आशंका नहीं है जी, यही तो बात है, आशंका नहीं है। एक सरकार के पास लिस्ट होती है, आप भी जानते हो, उसमें लिख रखा है फतेहगढ़ अति संवेदनशील गांव है, पिछली बार 40 पुलिस वाले लगा रखे थे, और अब की बार उस वीडियो ने गलत रिपोर्ट, ऊपर अफसर, ऊपर वाले डीसी एसपी साहब, ऊपर वाले अफसर का कोई कसूर नहीं है, इन्होंने उतनी फोर्स लग रहा है कि मिली भगत रही है ऐसा जी, मिली भगत एसपी साहब या डीसी साहब की क्या हो गई,
उन्होंने दूत नहीं भेजनी है ना फोरस जितनी मांगेंगे वो। बीच में जो अधिकारी बैठे बीच में तो उसकी मिली भगत क्या सारा कुछ करवाया ही उसने बीडीओ गुरमालक सिंह ने। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम गांव फतेहगढ़ के हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिंदर सिंह है। इलेक्शन चाहते हैं अब दोबारा हो आपके? हाँ जी इलेक्शन चाहते हैं। हमारे साथ है इन्होंने जोन साहब वीडियो है वीडियो साहब उसने इनके साथ लेन देन कर रखा है उसने फोर्स नहीं मंगाने दी। सुबह 7:30 बजे अभी 18 वोट डले होंगे तो उन्होंने दंगा कर दिया अंदर कृपाना लेके गए। वो इसने पहले ही कर रखा तो मैं एक बार रौला कर दिया फिर मैं एक तरफा तुम्हारे को सरपंच बना देंगा। यह वीडियो की ना कमी है ये उसको पहले ही कह रहा है। मैं तुम्हारे से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे हमारा दोबारा इलेक्शन हो सीधा सब को मतदान देना हो जब सरकारी का हक है हमारा हम हक ही मांग रहे हैं। जो चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो जितनी नहीं वोट होए 70-80% लोगों ने वोट नहीं किया है। 70-80% लोग चाहते हैं कि दोबारा वोटिंग हो। 70-80% यानी कि गांव वाले हैं जो चाहते हैं कि दोबारा फतेहगढ़ में वोटिंग की जाए। ऐसे में आप ये समझिए कि जैसे ही परसों रिजल्ट्स आते हैं सरपंच और पंच पद के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद बहुत सारे करनाल जिले के गांव ऐसे थे जिनमें से कुछ गांव वालों ने आरोप लगाया था कि जिनको कम वोटें मिली उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है जिन्हें ज़्यादा वोटें मिली वो हार जाते हैं। और ऐसे में निसिंग ब्लॉक का जो फतेहगढ़ गांव है वो एक ऐसा गांव है जो चाहता है जिसमें 70-80% लोगों ने वोट नहीं दिया और ऐसे में ये गांव चाहता है कि इस गांव में दोबारा से चुनाव करवाए जाएं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24 में हूँ महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।